देख रहे हैं अंबर टाइम्स। राज्य शासन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण आयोजन कलेक्ट्रेट NIC कक्ष में संपन्न हुआ। आयोजन में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा उपस्थित कर्मचारियों अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, CEO जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास रजनेश सिन्हा आदि अधिकारियों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प पर अपने हस्ताक्षर किए गए। बस स्टैंड पर भी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जिससे यह सुनिश्चित हो कि लड़कियां जन्म ले उन्हें प्यार व शिक्षा मिले और देश का सशक्त नागरिक बनने का समान अवसर मिले। शहर में चड्डी गैंग सक्रिय हो गई है। करमदी से आगे बने नमकीन क्लस्टर में एक ही रात में 5 उद्योगों के दफ्तरों के ताले तोड़कर चड्डी गैंग के चोर नकदी चुरा कर ले गए। एक ऑफिस से 10,000 रुपए नकद ले गए, वहीं 4 दफ्तरों से 1200 से 1500 रुपए ले गए। व्यापारियों ने थाने में आवेदन दिया है। नमकीन क्लस्टर में सोमवार रात को कसेरा फूड्स, मधुर बेकरी, ब्राह्मण भोज, अभिनंदन इंडस्ट्री, रतलामी चस्का उद्योग के दफ्तरों में चोरी हो गई। चोर उद्योगों के बाहर बनी बाउंड्री वॉल कूद कर आए और ऑफिसों के ताले तोड़कर अंदर घुसे। ऑफिस से 1300 रुपए की चिल्लर तीर कमान ले गए। मधुर बेकरी से 1500 रुपए नगद, ब्राह्मण भोज से 10,000 रुपए नगद, अभिनंदन इंडस्ट्रीज से 1200 रुपए नगद और रतलामी चस्का से 1300 रुपए नगद ले गए। CCTV में कैद हुई वारदात में चोरों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बताया जाता है कि नमकीन क्लस्टर में रात को कुछ लोग घुस जाते हैं और कोनों में बैठकर शराब पीते हैं। कई बार गश्त कर रही पुलिस टीम उन्हें खुद यहां आकर भगाती है, लेकिन वो फिर आ जाते हैं। मामले की जानकारी देते हुए माणकचौक थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया, चोरी की वारदात हुई है सिर्फ नमकीन क्लस्टर में। नमकीन क्लस्टर में बीती रात को एक घटना घटी है। करीब 4 लोग ने कुछ 2-3 दुकानों के ताले ठटकाए हैं और वहाँ रेकी की है। कुछ 1100-1200 की मात्रा में नकद राशि गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई, शीघ्र पकड़ लेंगे। फिर क्या कुछ कहाँ के हैं मुलजिम, क्या कुछ पहचान आई है? ऐसे फुटेज में देखने पर ऐसे तो गांव के लग रहे हैं कहीं पे, बाकी जांच जारी है। सर वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे भी दारू का अड्डा बना देगा लोगों के द्वारा, तो वहाँ पे क्या पुलिस ऐसी वहाँ शौहरत रहती है? पुलिस रेगुलरली वहाँ गश्त करती है और उनको भगाती भी है, भगाए भी है पहले और स्कोर बढ़ाएंगे इसको भी। शहर में सालों से नगर निगम स्वच्छता अभियान का ढोल पीट रहा है। सफाई के नाम पर मोटा आवंटन खर्च होने के बाद भी सफाई व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं आया है। सफाई को लेकर रहवासियों के हमेशा शिकायती तेवर ही रहते हैं। शहर के श्रीमालीवास के रहवासी सफाई व्यवस्था से त्रस्त हैं। रहवासियों का कहना है कि सफाई हो भी जाए न तो कचरे का ढेर उठता है और न ही नाली की गंदगी उठती है। रहवासियों ने बताया, मैं संतोष पाल, कहाँ रहते हो? श्रीमालीवास 97। कि आज जो कचरा निकला है कब क्या निकला है? ये हम घर के पास में, मंदिर के पास में ही है हम। और ये क्या, जो भी आते हैं झाड़ू वाली भी आती है तो वो गोबर भी नहीं उठाती, कुत्ते की गंदगी भी नहीं उठाती, हम लोग खुद भर भर के डालते हैं। तो ये मंदिर डाला वो 4-4 दिन तक नहीं होगा। जो नाली की सफाई होती है तो वो 4-4 दिन तक पड़ा रह जाता है। बहुत परेशान है, किसको करे शिकायत? जिसको दरोगा को एक बार बोला था तो दरोगा बोले ये हमारा काम नहीं, PWD वाले ना, PWD वाले क्या करें बेचारे, अब इस काम के लिए थोड़ी आएंगे PWD वाले। ये तो इनको चाहिए, कुत्ता गंदगी कर रहे तो कुत्ते उठाए तो सही। वो किसी पार्षद वगैरह को बोला गया है? पार्षद से तो पार्षद तो कोई बात ही नहीं करते हैं यहाँ के। सालों से कोई पार्षद यहाँ पे वोट के समय पार्षद आते बात करने, बाकी उसके बाद में शक्ल नहीं दिखाते हैं। जो उनके परिचित होते हैं, जो उनके घनिष्ठ होते हैं, उनके काम कर जाते हैं। बाकी नाली टूटी पड़ी रहती है तो कुछ भी, मतलब जो गंदगी नाली के ऊपर से निकल रही ना वो भी नहीं उठाने आते। जो से उमा शंकर जोशी, ये कचरा पड़ा है, ये क्या हुआ, क्यों नहीं उठा के ले जा रहे हैं? यार निकाला है सुबह है तो हम नहीं ले जाएंगे, बोल रहे ले जाएंगे। अब एक दो दिन में ले जाए तो ठीक है, तो नहीं बोलते, बाकी 2-4 दिन पड़ा भी रह सकता है।
क्योंकि पहले भी निकाला था तो पड़ा रहा था, बहुत दिन में ले आते हैं। बदबू वगैरह की? बदबू वगैरह आते हैं, मच्छर वच्छर होते ही रहते हैं। ये जो समस्या होती है आपको, तो समस्या सभी तरह की समस्या है, मच्छर है वगैरह वगैरह, गंदगी रहती है, बास आती है। ये सफाई होती है तो इस तरह की होती है सफाई? हाँ भैया, यहाँ इससे सफाई है बस, यहाँ सबदूर का गली वाले का सब यहाँ ला के डाल देते हैं। यह दूसरी तस्वीर सार चबूतरा क्षेत्र की है। यहाँ के रहवासी सफाई व्यवस्था से निरंतर परेशान है। रहवासियों का कहना है न कोई सुध लेने वाला न कोई काम करने वाला। सार चबूतरा क्षेत्र रहवासी परेशान है, लेकिन कोई आला अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। पहले सीवरेज की लाइन डाली, उसमें लीकेज, फिर लाइन खोदी, फिर सीवरेज को नुकसान, अब पानी की पाइपलाइन डाली तो मजदूरों ने खोदने में पुरानी पाइपलाइन फोड़ी, उसके बाद सिर्फ गंदगी और कीचड़। सुबह स्कूल जाने के लिए बच्चे परेशान, रोजमर्रा वाले आने जाने में परेशान, गाड़ियों की आवाजाही में हर कोई परेशान है, लेकिन जन प्रतिनिधि से लेकर आला अधिकारियों तक कोई सुनने वाला नहीं है। श्री नित्यानंद आश्रम, श्री श्री नजर निहाल आश्रम के पूज्य संत 1008 श्री नर्मदानंद बाबजी द्वारा श्रीनगर से प्रारंभ की गई राष्ट्रीय गौरव पद यात्रा 15 जनवरी को अयोध्या पहुंच भव्य समारोह के साथ संपन्न हुई। संत श्री नर्मदानंद बाबजी ने श्रीनगर से अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तक की राष्ट्रीय गौरव पद यात्रा 75 दिनों में पूरी करने का संकल्प लिया था। यात्रा पूरी कर संत श्री बुधवार को रतलाम पहुंचे। नगर आगमन पर सबसे पहले वे आस्था हृदय स्थल माँ कालिका माता के मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। उन्होंने माँ कालिका की आरती भी की। संत श्री का भक्त मंडल ने स्वागत कर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर महापौर प्रहलाद पटेल, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, सनातन सोशल ग्रुप के अनिल पुरोहित, राजेश सक्सेना, प्रभु प्रकाश राठौर, पवन सोमानी सहित भक्तजन उपस्थित थे। श्री नर्मदानंद बाबजी ने अपनी यात्रा की जानकारी देते हुए बताया, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये थी राष्ट्र गौरव पद यात्रा। श्रीनगर लाल चौक से प्रारंभ होकर के श्री धाम अयोध्या तक, प्रभु श्री राम के चरणों तक इस यात्रा का संकल्प था। मुख्य उद्देश्य इस यात्रा का, हमारे राष्ट्र के अंदर हम जो राष्ट्र गौरव पद यात्रा करते हैं, राष्ट्र मन भारत माता और गौरव इस देश की जो है वो राम है, तो राम इस राष्ट्र की आत्मा है और राम में ही हमारा संपूर्ण विश्व निवास करता है। यद्यपि पूरे विश्व में राम को ही मानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लेने के कारण आज 500 वर्षों से हम लोग लालायित थे कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण। 2019 के अंदर संतों के सानिध्य में एक गोष्ठी हुई थी प्रयागराज में, त्रिवेणी में, सब संत अपने अपने उद्गार रख रहे थे। हमारे मन में भी विचार आया कि संतों ने कहा, स्वामी जी आप क्या कहेंगे राम मंदिर को, तो कुंभ मेला चल रहा, तो कुंभ के चलते हमारे मन में विचार आया कि अगर कुंभ मेला प्रयाग का दूसरा कुंभ आता, उसके पहले पहले यदि राम मंदिर का कुछ निर्णय आता है, तो हम भगवान शंकराचार्य की पहाड़ी से लगा करके राम मंदिर तक पद यात्रा करेंगे। उस उद्देश्य की संकल्प के साथ में पर्यावरण शुद्धि, जल संरक्षण और गौ माता के रक्षण को लेकर के यात्रा की गई। आज हमारा संपूर्ण राष्ट्र 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, इसके चलते ही यात्रा भी 75 दिन में श्रीनगर लाल चौक में तिरंगा फहरा करके, और इतिहास में पहली बार वहाँ के लोगों ने कहा, बोले महाराज यह तिरंगा बहुत बार फहराया, लेकिन भगवान श्री राम की प्रतिमा का पूजन खुलेआम श्रीनगर की लाल चौक के चौक पर पूजन करके, भगवान का अभिषेक कर और भगवा ध्वज फहरा करके ऊपर में तिरंगा फहराया, बोले इतिहास में पहली बार हुआ है। बसंत पंचमी पर रतलाम राज्य का स्थापना दिवस है। इस मर्तबा बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस एक ही दिन 26 जनवरी को है।
रतलाम राज्य का साक्ष राजमहल के भारी सौंदर्य का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। निगम ने इस क्षेत्र में सीसी रोड का निर्माण कार्य भी पूरा कर दिया है। इस क्षेत्र में रतलाम स्थापना दिवस के आयोजन होंगे। उससे पहले बुधवार को डिवाइडर की जगह नारियल के पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र की सुंदरता और बढ़ जाएगी। हाट की चौकी स्थित शहनशाह रतलाम हजरत छोटू बादशाह का 8 दिवसीय उर्स का प्रोग्राम चल रहा है। उर्स के तहत बुधवार को चादर शरीफ का जुलूस निकाला गया। बैंड बाजों के साथ निकले जुलूस में शरीक नागरिकों ने हिंदू मुस्लिम सद्भावना का संदेश दिया। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरा जुलूस छोटू बादशाह के दरगाह पर पहुंचा और चादर पेश की गई। देख रहे हैं अंबर टाइम।